हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके भी फेसबुक पर स्टोरी पोस्ट करते टाइम यहां पर रेड कलर का डॉट आ जा रहा है? तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, यानी कि अगर आपके फेसबुक स्टोरी पर रेड कलर का डॉट आ जा रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आपका फेसबुक स्टोरी पोस्ट नहीं होता है और इस तरीके से रेड कलर का डॉट आ जा रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आप लोग क्या करते हैं कि आप स्टोरी पोस्ट होने से पहले ही डाटा बंद कर देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाटा ऑन होते हुए भी ये स्टोरी नहीं लगी है, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व दिखा रही है। तो दोस्तों, अगर इससे भी नहीं ठीक होती है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे, यानी कि डाटा ऑन होते हुए भी ये स्टोरी पोस्ट नहीं हुई तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप मैनेजमेंट का। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिला तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन में ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा। तो दोस्तों आपको ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नहीं तो दोस्तों आपको ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप लिस्ट का। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन में ऐप लिस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिला तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन में मैनेजर ऐप तीसरे या चौथे नंबर पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। नहीं तो दोस्तों आपको ऐप लिस्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों, यहां से थोड़ी देर के लिए लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल होंगे वो सारे के सारे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको अपने फेसबुक को ढूंढ लेना है और फेसबुक को ढूंढने के बाद दोस्तों उस पर सिंपली आपको एक बार क्लिक कर देना है। और फेसबुक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोरेज यूजेज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टोरेज यूजेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको नीले कलर में दो ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, क्लियर डाटा और क्लियर कैचेस का। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लियर कैचेस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको बैक हो जाना है और बैक होने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा परमिशंस का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। परमिशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां से जो भी चीज अलाउ नहीं रहेगा उसे आपको अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 6 चीज मेरा अलाउ है, कैलेंडर अलाउ नहीं है, तो इस पर आपको क्लिक करके इसे भी अलाउ कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, आप अपने फेसबुक पर कोई भी स्टोरी पोस्ट करोगे तो दोस्तों यहां पर रेड कलर का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि आपकी स्टोरी सही सलामत लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, यानी डाटा ऑन होते हुए भी अगर आपकी स्टोरी पोस्ट नहीं होती है तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही जानकारी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों, आपको फेसबुक से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।